भगवत प्रेम लाभ करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। दुनिया प्रेम में हम लोग फंसे हुए हैं, ये दुनिया का प्रेम को छुट्टी लेकर के प्रेम तो रहेगा बाकी भगवत प्रेम सबका भीतर है। जानवर का भीतर भी प्रेम है, कुत्ता भी अपना बच्चा को पालन करते हैं, शेर भी अपना बच्चा को पालन करते हैं। शेर छोटे छोटे बच्चे जब महान भयंकर शेर का ऊपर उजलता है खेलता है वो आराम पाते हैं। ये प्रेम का बात, तो प्रेम सभी में है, जीव मात्र में है। बाकी वो प्रेम ये जो हम लोग दुनिया में लगाते हैं ये इसके नाम है माया। और वही प्रेम जब भगवान में लगाइएगा उसकी नाम है भक्ति। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि सर्वोपाधि विनिन्मत्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच। ऋषिकेश भगवान का नाम है ऋषिकेश, और ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय। तो इंद्रिय जब शुद्ध होकर के तत्परत्वेन निर्मलम भगवान की सेवा में लगाया जाएगा उसकी नाम है भक्ति। तो ये हमारे पास जो पुस्तक है ये चैतन्य चैतामृत, इसका इंग्लिश में हम लोग भाषांतर किया है। ये जैसा किताब आप हमारे सामने देख रहे हैं ऐसी 17 किताब से संपूर्ण है, और ये सारा दुनिया में बड़े आदर से इसको ग्रहण करते हैं चैतन्य चैतामृत। उसी से एक आज श्लोक आप लोग को सुना होगा, ये उनके विषय है सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी जो कि रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजी गोपाल भट्ट दास रघु, ये चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य थे। और वृंदावन में रह करके चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है उसको प्रचार किया था, उसी धारा अनुसार उनका पदानुसार अनुसरण करके जो हम लोग विचार दुनिया में प्रकट कर रहा हूं ये चैतन्य महाप्रभु का विचार और उनका मिशन जो कि गोस्वामी लोग प्रचार किया था। और सभी शास्त्र छोड़ दिया है उसी को हम लोग खास करके इंग्लिश लैंग्वेज में भाषा में रूपांतर करता हूं, और जर्मन भाषा में फ्रेंच भाषा में स्पैनिश भाषा में ये सब यूरोपियन भाषा। तो किताब हमारा खूब बिकता है, आप सुन के तो आश्चर्य हो जाएंगे कि हम लोग 25 से 30 लाख रुपया के किताबें हर महीना में बेचता, और इसी में हम लोग का खर्च चलता है। और जैसा ये बालक श्रीमान अल्फ्रेड फोर्ड ये हम लोग को कम से कम 2.5 करोड़ रुपया दिया है। तभी हम लोग का खर्च चलता है, हमारा खर्च है कम से कम 20 लाख रुपया मावाल, 100 सेंटर है। तो सब भगवान की कृपा से चल रहा है। एक सेंटर आपका नैरोबी में खुला गया है, उसमें आप लोग सब को अच्छी तरह से सहयोग कीजिए और किताबें पढ़िए, और क्या हम लोग मिशन प्रचार कर रहा हूं उसको समझिए। ये कोई धर्म विशेष का बात नहीं है, असल में यही धर्म है। धर्म क्या चीज है? उसको जमराज ने बताया जो कि धर्मराज है, धर्म का विचार कर। वो धर्म का विषय उनको जब पूछा गया
उनका अनुचर वर्ग जो ये अजामिल महापापित है और इसको हम लोग ले आना था, बाकी विष्णु दूत आकर इसको रक्षा की और लाने को नहीं दिया। तो धर्म अधर्म का क्या विचार है? उस समय धर्मराज बोला था, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम्। धर्म जो है वो जो भगवान जो कानून बता देता है उसका नाम है धर्म, और सब अधर्म और सब अधर्म है। इसलिए भागवत में पहले ही बताया है, धर्म प्रोज्जित कोई तब अत्र अत्र श्रीमद भागवते कोई तब धर्म प्रोज्जित। प्रोज्जित का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप में उज्जित। जैसे आप लोग कमरे को साफ करते हैं और खूब अच्छी तरह से झाड़ पूछ करके मैला सब निकाल बाहर कर देते हैं, इसी प्रकार जो धर्म नहीं है उसको अच्छी तरह से झाड़ू दे करके निकाल बाहर कर दिया गया है। ये भाव धर्म प्रोज्जित कोई तब अत्र परम निर्म सराना। और ये जो धर्म है परम धर्म वो किसके लिए है? वो निर्मस्तर के लिए, जिसको हिंसा नहीं है। हिंसा मत्सरता, मत्सरता का अर्थ प्रकाश किया है श्रीधर स्वामी, मत्सरता पर उत्कर्षहनम असहनम। दूसरे को तरक्की हो रही है उसको देख करके जो जलता है उसका नाम है मत्सरता। पर उत्कर्षणम असहनम, दूसरे का उत्कर्ष हो रहा है ये दुनिया का नियम है। अपना भाई कभी तरक्की हो रही है तो उनको भाई देख करके जलेगा, दूसरे का बात छोड़ दी। पर्सन टू पर्सन व्यक्तिगत तो होता ही है, इन समाजगत तो होता है, इन कौम इन धर्म हिंदू मुसलमान और फिर नेशनल फिर पार्टी, ये केवल मत्सरता, केवल मत्सर। इसलिए ये जो भागवत धर्म है उसके लिए है जो कि मत्सरता छोड़ दिया। परम निर्मत्सर वास्तव वस्तु भी दमक, वास्तव वस्तु जो है झूठा वस्तु नहीं, जो वास्तव वस्तु है उस विषय में, तो वो जो धर्म है धर्म प्रोजित यही वास्तविक लक्ष्य वस्तु है। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे, मैं धर्म संस्थापन करने के लिए युग युग में अवतरण करता हूं। तो वो धर्म भगवान क्या बताया? जो धर्म को संस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं वो क्या धर्म है? वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, वो धर्म। जितने दुनिया में धर्म सब बनाया गया है ये सब धर्म नहीं है, ये सब कोई तब धर्म है। असल धर्म है भगवान में शरणागति। जो भगवान इतना दिन आपको मैं भूल के रहा और सारा ब्रह्मांड में घूमते घूमते अनेक प्रकार 84 लाख जोनी में भ्रमण करते करते हमारा ज्ञान नहीं हुआ, अब जाकर के आपकी कृपा से तत्प्रसादा मधुसूदन, जैसे अर्जुन बताया तत्प्रसाद आपकी कृपा से नष्टो मोह, हमारा मोह नष्ट हो गया। और क्या मोह नष्ट होकर के क्या करोगे आप? करिष्ये तद वचनम तव, जैसे आप बोलते हैं वैसे करें, इसका नाम मोह नष्ट। हमारी मनमाफी का और काम नहीं करें, जो आप बोलेंगे वही करो। भगवान जो ही बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, हमारा शरणागत हो जाए। तो शरणागत होना माने मतलब क्या होगा? जो भगवान जो कहेंगे उसको मानना, इसका नाम है भक्ति।
या मलमाफिक में जो भगवान कहते हैं उसको करो, उसका नाम है भक्ति और उसका नाम है धर्म। जो भगवान का शरणागत हो जाते हैं और भगवान जैसे बोलते हैं ऐसी बात करते हैं वो है भक्त, और जो भक्त हुआ वो मुक्त हो, उसी भगत मुक्त हो गया। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि तुम शरणागत हो जाओ अहंगत्वा सर्व पापे भव मोक्षयामि। जब भगवान उनको हरे कृष्ण हरे 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 राम।